ग्रेजुएशन या तो बीटेक या एमबीए कर चुके हैं तो आपके लिए 6 लाख रुपया तक का स्कॉलरशिप मिल सकता है। मैं आपको बताऊंगा कि इस स्कॉलरशिप में आपको कैसे फॉर्म को अप्लाई करना है। आपको क्या करना है, गूगल पे लिखना है ब्राइट माइंड स्कॉलरशिप, ठीक है। तो आप डायरेक्ट इस पेज पर आ जाएंगे, ठीक है। या तो आप सर्च जैसे करेंगे तो आपको फर्स्ट साइट दिखाई देगी, इस पर आपको क्लिक करना है। अब जैसे क्लिक करेंगे तो आपको इस पेज पर आ जाएंगे, ठीक है। अब आने के बाद यहाँ से आपको इस कॉल के जैसे नीचे आएगा तो आप देखेंगे तो यहाँ से अप्लाई जो फॉर्म है 7266 फॉलोअर्स आपको देखने को मिल जाएंगे। आपको अप्लाई करने के लिए सबसे पहले क्या करना है कि यहाँ से नीचे आना है, ठीक है। अब जैसे नीचे आएंगे तो यहाँ से डॉक्यूमेंट को आपको रिक्वायरमेंट किया गया है, जैसे कि आपको गवर्नमेंट इशू एड्रेस प्रूफ रहना चाहिए, जैसे कि आधार कार्ड, क्लास 12th का मार्कशीट रहना चाहिए, ठीक है, या ग्रेजुएशन है तो उसका मार्कशीट, या तो जेई है, ठीक है, जिस चीज का प्रिपरेशन कर रहे हैं उसका मार्कशीट रहना चाहिए, ठीक है। अप्लाई करने के लिए आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है, अप्लाई नाउ के ऊपर क्लिक करना है। अब जैसे अप्लाई नाउ के ऊपर क्लिक करेंगे इसके बाद आपको यहाँ से एक स्टार्ट फॉर्म का ऑप्शन दिखेगा, ठीक है। यहाँ से पोस्ट ग्रेजुएशन है, ठीक है, स्टार्ट फॉर्म का एप्लीकेशन पर आपको क्लिक करना है। यहाँ से पूछा डू यू विश यू हैव एंटर द फर्स्ट ईयर बीटेक या तो एमबीए, ठीक है, हाँ तो एस, ठीक है। यहाँ से 60% है ओवरऑल, तो इस पर आपको एस कर सकते हैं, नहीं तो नो पर क्लिक करना है, ठीक है। चेक एलिजिबिलिटी पर क्लिक करना है, ओके पर क्लिक करना है, एडजस्ट सेम करना है, ठीक है। अब जैसे ओके पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक फॉर्म ओपन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से देखेंगे तो सारा डॉक्यूमेंट आपको शो कर देगा, ऑलरेडी जो आधार कार्ड पर आपको वेरीफाई होगा, ठीक है, जो अगर नहीं होगा तो इसे आपको सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर आपको क्लिक करना है, ठीक है। अब सेव एंड नेक्स्ट पर जैसे क्लिक करेंगे तो आपका सेकेंड आ जाएगा, जो भी आप इसमें मिसिंग होगा इसमें आपको कर दीजिएगा, ठीक है। इसके बाद सेव नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो एजुकेशन का डिटेल्स को मेंशन करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि आपको कुछ यहाँ से 12th का रिक्वायरमेंट किया गया है तो आपको 12th एज पर क्लिक करना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ से जो भी आपका है किस स्टेज से किए हैं, स्ट्रीम कौन सा आपका स्ट्रीम है, ठीक है, इंस्टीट्यूट को सिलेक्ट करना है, गवर्नमेंट प्राइवेट, यहाँ से अपना सेक्टर को सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। इसके बाद स्टेट को आप आना है, स्टेट जो भी आपका स्टेट है उसे सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। इसके बाद आपको डिस्ट्रिक्ट को यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है जिस डिस्ट्रिक्ट से आप किए हैं, ठीक है। इसके बाद आपको अपना इंस्टीट्यूट का नाम डालना है, यहाँ से आपको पासिंग कब किए थे पासिंग को सिलेक्ट कर लेना है, सिटी कौन सा है सिटी को सिलेक्ट कर लेना है आपको, ठीक है। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर आपको क्लिक करना है तो आपको डॉक्यूमेंट का जो दूसरा भी किए हैं वो आ जाएगा, ठीक है, एडजस्ट सेम करना है, ठीक है। आप जैसे 12th का था 12th का मेंशन कर दिया। इसके बाद मोर अबाउट सेल पर जैसे क्लिक करेंगे, आप नेक्स्ट सेव एंड नेक्स्ट पर जैसे क्लिक करके करेंगे तो कुछ आपको ऑप्शन देगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ से पूछ रहा है कि काइंडली शेयर द योर कच, ठीक है, कुछ क्वेश्चन का आंसर देना है, ठीक है। तो यहाँ से आप चूज योर द कॉलेज नेम, ठीक है, अप्लाई किस कॉलेज नेम से अप्लाई किए थे इसे आपको चूज करना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आप देखेंगे तो नेक्स्ट में आपको पूछा है सेव एंड नेक्स्ट पर आपको क्लिक करना है। अब सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आपको सबसे पहले यहाँ से सारा का सारा आपको मेंशन कर देना है, ट्रिक सारा कर दीजिए, इसके बाद प्रीवियस भी आप यहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद आपको सबमिट कर देना है, तो देन उसके बाद आप सबमिट हो जाएगा, सारा का सारा जो रिक्वायरमेंट किया गया है डिटेल सारा सारा मेंशन कर दीजिएगा। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।